हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोस डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस आज जो बियर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ट्यूबॉक स्ट्रॉन्ग। सो गाइस ये एक डेनिश बियर है, दिस इज मेड इन डेनमार्क इन कोपेनहेगन। सो द ट्यूबॉक ब्यूरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1873 एंड इन द ईयर 1880 ये पिल्सनर जो थी वो फर्स्ट ब्रू की गई थी उस ब्रूरी में। सो पिल्सनर इज बेसिकली द लागर बियर दैट वी ड्रिंक। उसके बाद इन द ईयर 1903 दिस कंपनी केम इनटू एन एग्रीमेंट विद कार्ल्सबर्ग लिमिटेड व्हिच वाज देयर कंपेटिटर बैक इन द डे, व्हिच वाज अ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। एंड इवेंचुअली इन द ईयर 1970 दिस ब्रूरी और द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय Carlsberg and till now it is owned by Carlsberg Limited. So that's how it is, that's about this beer. इसके और भी variants आते हैं, बहुत सारे variants हैं इसके। India में जो है सिर्फ ये strong variant आता है जिसको हम gold कहते हैं, but actually this is not gold, this is strong, Tuborg strong। एक आता है Tuborg green which is the light beer। और बाकी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये मिलती है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इसके। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं जो कि स्पेशल ओकेजन्स में ब्रू होते हैं। एक है क्रिसमस ब्रू जो कि क्रिसमस के टाइम पे ब्रू करते हैं स्पेशली फॉर क्रिसमस डेज, एंड एक है जो कि मई में ब्रू होता है विच इज़ कॉल्ड ट्यूबॉक रेड, जस्ट टू सेलिब्रेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रूरी। सो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी और बहुत सारे वेरियंट्स हैं इसके, दिस ट्यूबॉक लेमन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया ऑफ कोर्स, दिस ट्यूबॉक गोल्ड विच इज़ मेड अप ऑफ 100% बाले विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस ट्यूबॉक ट्विस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरियंट्स आर अवेलेबल, ट्यूबॉक ब्लैक, ट्यूबॉक स्वर्ल, बहुत सारे हैं इसके वेरियंट्स। तो चलिए हम उनके बारे में आज बात नहीं करते, हम आज इसके बारे में बात करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर बियर इज़ ब्रूड इन इंडिया ऑफ कोर्स, जो कि सारी इंटरनेशनल बियर्स के साथ ऑलमोस्ट हो गया है दैट दोज बियर्स आर ब्रूड इन इंडिया। एंड देन ऑफ कोर्स द रेसिपी इज़ द सेम रेसिपी दैट दे हैव इन फॉरेन कंट्रीज, देयर नेटिव कंट्रीज, दिस इज़ ब्रूड इन इंडिया। एंड ये जो ट्यूबॉग नाम है दिस कम्स फ्रॉम अ वर्ड नेम ट्यूचबॉग, नाउ दैट मीन्स ट्यूचेस कासल। Now what happened back in the day in 1690s, जहाँ पे ये ब्रूरी आज है उस एरिया में एक इन हुआ करता था, एक छोटा सा होटल हुआ करता था जिसका नाम था ट्यूचबॉग। तो उससे नाम लिया इन लोगों ने अपना और फिर इवेंचुअली बिगड़ते बिगड़ते ये आज ट्यूबॉग बन गया। तो दैट्स हाउ इट इज़। कमिंग बैक टू दिस बियर, दिस पर्टिकुलर वेरियंट, this beer has got malted barley in it, this beer has got rice in it, this beer has got maize in it, corn syrup, added sugar, kyunki I am not sure whether you guys know it or not, but jo strong beer hoti hai usko banane ke liye sugar is added to it, kyunki tabhi yeast kaam karke usme alcohol zyada la sakta hai, otherwise जो नॉर्मल बियर बनती है दैट इज़ समवेयर अराउंड 5-7% ABV। अगर 8 or more percent ABV उसमें लाना है तो वी हैव टू ऐड शुगर इनटू इट ताकि उस पर ईस्ट काम करे और इट कैन कन्वर्ट इट इनटू मोर अल्कोहल। दिस पर्टिकुलर बियर इज़ ऑफ 8% ABV एंड दिस पर्टिकुलर कैन दैट आई गॉट इज़ ऑफ 500 ml, which I got it for 85 rupees, though the marked MRP is 110 rupees. I got it in discount in Delhi, जैसा कि आप जानते हैं Delhi में discounts चल रहे हैं, तो I got it in a discount for 85 rupees. इसमें एक चीज़ है जो कि मैं mention करना चाहूँगा, in the year 2004, Tuborg came up with a revolutionary thing and that is the ring pull cap for its beers, beer bottles. Unfortunately मुझे बियर की बॉटल नहीं मिली थी बट कैन मिला था, तो आई थॉट कि मैं कैन ही ले लेता हूँ अब रिव्यू करने के लिए, बट इट हैज इट्स गॉट अ वेरी यूनिक ओपनिंग मैकेनिज्म। उसमें क्या है, यू जस्ट पुल द रिंग एंड ढक्कन खुल जाता है उसका एंड
यू डोंट नीड अ बॉटल ओपनर एज अपोज टू द अदर बियर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो दैट वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग इन द बियर इंडस्ट्री. And Tuborg was among the first companies to bring that pull ring cap. So that's how it is. That's about this beer. That's about the company. Let's go ahead and pour it. Let's review it and let's see what this beer has to offer. So chaliye, let's open it. That's Tuborg Strong for you. And agar aapne dekha ho, to ispe ek crown bana hua hota hai. To kehte hain ki this is. This denotes the crown of the Danish royalty, the queen in Denmark. So that's how it is. Chaliye, let's go ahead and pour it and let's see what this beer has to offer. Chaliye. अगर मैं कलर की बात करूं तो एक डार्क गोल्डन कलर है, ऑलमोस्ट एम्बर कलर है. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. मुझे एक बहुत ही वेजिटल काइंड ऑफ अरोमास आ रहे हैं इसमें से. एक बहुत ही हर्बेशियस वेजिटेबल्स के, ग्रीन वेजिटेबल्स के अरोमास आ रहे हैं. वेल इट एक्चुअली टुक मी बैक when I was doing my courses on wines. And wine mein hum logon ne ek wine pi thi which was Sauvignon Blanc, which is made up of a green grape, and it is a white wine which is high on acidity, high on dryness. So aur usme koi fruitiness, koi kuch nahi aati. Usme jo hai vegetables ke aromas aate hain. So, मुझे ना उसके अरोमास आ रहे हैं कुछ इसमें से. यस, मुझे उसके अरोमास आ रहे हैं. हल्के, बहुत बहुत हल्के से फ्रूटीनेस आ रही है मुझे, बट बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं. मोर ऑफ इट इज द वेजिटल अरोमास दैट आई कैन गेट आउट ऑफ इट. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज टू ऑफर. चलिए. It is dry beer. It is not sweet. Acidity अच्छी है इस beer में. Refreshing beer है. हल्की सी there is a bit of sour flavor in it. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स आ रहे हैं मुझे इसमें से. चलिए लेट्स टेस्ट इट अगेन एंड लेट्स सी डिड आई मिस समथिंग. ओके, आई वुड से यस, मुझे वो वाइन के फ्लेवर्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं इसमें से एज कंपेयर्ड टू द बियर. So that's really a good thing. मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही bitterness at the back of my throat. Of course, bitterness brings about refreshing characteristics of a beer, but honestly, I am not missing that bitterness in this beer. Rather, मुझे और ज़्यादा refreshing लग रही है ये beer. मुझे अच्छी लग रही है ये beer. So it is a good beer in my opinion, a very good beer indeed. अगर हम इस beer के aficionados report card की बात करें, so on the price point I would give it a 9, and on the taste also I would give it a 9. So इस beer का aficionados number होता है 9. मेरे हिसाब से a good beer, must try for everyone. Enjoy it. I'm sure you guys would enjoy it if you have it. Go ahead, enjoy it, but do drink responsibly and do not drink and drive. And as we say in Aficionados Den, stay classy and cheers.